राष्ट्रपति जिसकी जीत की घोषणा दिल्ली की जामा मस्जिद से हुई, राष्ट्रपति जिसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, राष्ट्रपति जिसके लिए इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिंडिकेट से बगावत कर दी। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। सियासत में आज बात भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन की। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल खत्म हो रहा था। इसके साथ ही देश में राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। नई नई प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि साल 1967 का लोकसभा चुनाव आजादी के बाद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आया था। इस चुनाव में कांग्रेस 283 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 1962 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। ये आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से महज 12 सीट ही ज्यादा था। 11 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव के बाद इंदिरा को पार्टी के भीतर तख्ता पलट का डर सताने लगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने अपने को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा को समझ में आ गया था कि अगर वो कांग्रेस सिंडिकेट की पकड़ से बाहर नहीं निकलती हैं, तो इसकी कठपुतली बनकर रह जाएंगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व प्रधानाध्यापक और डॉक्टर जाकिर हुसैन के सहकर्मी रहे डॉक्टर जियाउल हसन फारूकी ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1967 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज चाहते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोबारा राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को कार्य विस्तार दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जाकिर हुसैन को अगले राष्ट्रपति के तौर पर देख रही थी। हालांकि इंदिरा के मन में ये शंका थी कि जाकिर साहब इस पद के लिए तैयार हैं भी या नहीं। उधर जाकिर हुसैन का मन नहीं था कि वो उपराष्ट्रपति पद पर एक और कार्यकाल करें। यहां तक कि उन्होंने अपने आधिकारिक आवास 6 मौलाना आजाद रोड से अपना सामान जामिया नगर के अपने निजी घर भेजना शुरू कर दिया था। जब इस बात की खबर इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को जाकिर हुसैन के पास भेजा। इंद्र कुमार गुजराल ने इस बात का जिक्र करते हुए अपने एक लेख में लिखा था कि एक दिन इंदिरा गांधी ने उनसे राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन का मन टटोलने के लिए कहा था। इसके बाद वो जाकिर साहब से मिले, तब जाकिर हुसैन ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे राष्ट्रपति भवन जाने के लिए कहें तो मैं इतना मजबूत नहीं हूँ कि ना कह दूं। यानी उनका इशारा स्पष्ट था कि वो इस पद के लिए तैयार हैं, लेकिन के कामराज इसके लिए राजी नहीं हुए। इंदिरा गांधी और कामराज के बीच इस बात को लेकर तनातनी हो गई कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार किसके पास है। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस पर अपना दावा जता रही थीं और कामराज का कहना था कि पार्टी अध्यक्ष होने की वजह से ये हक उनका था। इंदिरा ने मामले को सुलझाने के लिए 8 अप्रैल 1967 को सर्वदलीय बैठक बुलाई और जाकिर हुसैन के नाम पर सहमति चाहती थी, लेकिन विपक्षी नेता ये कहकर मीटिंग से चले गए कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस में फूट को देखते हुए विपक्ष ने तुरंत मौका हाथ से लपक लिया और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के 9वें चीफ जस्टिस के सुब्बाराव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय देश में एक अलग माहौल बन गया था। उस वक्त जनसंघ की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश भी की गई थी कि एक मुस्लिम को देश के राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब इस मुश्किल घड़ी में इंदिरा ने जयप्रकाश नारायण को याद किया। जयप्रकाश नारायण ने 12 अप्रैल 1967 को एक बयान जारी कर राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन का समर्थन कर दिया। डॉक्टर जियाउल हसन फारूकी ने अपनी किताब डॉक्टर जाकिर हुसैन में बताया है कि स्वतंत्र पार्टियों ने राष्ट्रपति पद के लिए जयप्रकाश नारायण के नाम की पुष्टि की थी, लेकिन जेपी का कहना था कि वो इस समय जाकिर साहब को ही देश के इस उच्च पद के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं, उनकी इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में के कामराज को जाकिर हुसैन के नाम पर सहमत होना पड़ा। हसन फारूकी अपनी किताब डॉक्टर जाकिर हुसैन में लिखते हैं कि साल 1967 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनके प्रतिद्वंदी कोका सुब्बाराव देश भर में घूम घूम कर जहाँ अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे, वहीं जाकिर हुसैन अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा पर भाषण दे रहे थे और राष्ट्रपति चुनाव से महज 3 दिन पहले ही देश लौटे थे। 6 मई 1967 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। 9 मई की शाम को नतीजों की घोषणा हुई। जाकिर हुसैन को 4,71,244 और के सुब्बाराव को 3,63,911 वोट मिले। आकाशवाणी का नियमित प्रसारण रुकवाकर जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान किया गया। इसके साथ ही दिल्ली की जामा मस्जिद से भी जीत की घोषणा की गई।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्विंट का एक पॉडकास्ट है उर्दूनामा, जिसकी होस्ट फविहा हैं और इस हफ्ते वो नज़र पर बात करेंगी। ये शब्द आपने कई गानों, नज़मों या कविताओं में सुना होगा। उर्दूनामा के इस एपिसोड में फविहा भी इन्हीं शब्दों का मतलब समझा रही हैं और साथ ही इससे जुड़ी कविताएँ भी पढ़ेंगी। इस पॉडकास्ट को आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, तो सुनिएगा ज़रूर। आइए चलते हैं अब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कहानी की ओर। डॉक्टर जियाउल हसन फारूकी ने अपनी किताब डॉक्टर जाकिर हुसैन में लिखते हैं कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की सड़कों गलियों में लाउडस्पीकर से उनकी जीत का ऐलान हो रहा था। लोग खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, जैसे वे ईद मना रहे हों। आखिरकार जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 को भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये वही चुनाव था जिसने देश की सियासत में इंदिरा गांधी को अपने पैर जमाने में मजबूत किया। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया। दरअसल निधन से कुछ दिन पहले उनका असम दौरा था, लेकिन वहां जाने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें दौरा रद्द कर आराम करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि राज्यपाल इस दौरे के लिए मुझे काफ़ी दिन से मना रहे थे, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बहुत से लोगों को दुख पहुँचेगा। सेहत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। उन्होंने डॉक्टरों को ये कहकर मना लिया कि असम से लौटने के बाद वो ओखला वाले घर पर चले जाएंगे, जहां सिर्फ आराम करेंगे। लेकिन जब वो लौटे तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। निधन वाले दिन सुबह करीब 11:15 डॉक्टर चेकअप के लिए आए तो डॉक्टरों को इंतज़ार करने की बात कहकर बाथरूम में चले गए। काफ़ी देर बाद जब वो नहीं लौटे तो उनके विशेष सेवक इसहाक ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से जब जवाब नहीं मिला तो दूसरे दरवाजे से वो बाथरूम में गया। उसने देखा कि जाकिर हुसैन जमीन पर बेसुध पड़े थे। डॉक्टरों ने बताया कि उनका निधन हो गया है। 5 लाख से ज़्यादा लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे। राष्ट्रपति भवन के बाहर करीब 3 मील तक लोग उनकी झलक देखने के लिए लंबी कतार में खड़े रहे। जाकिर हुसैन को जामिया मिल्लिया के कैंपस में दफनाया गया, क्योंकि साल 1920 में जाकिर हुसैन ने ही अलीगढ़ में जामिया की स्थापना की थी, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के कहने पर जामिया को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। साल 1963 में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जाकिर हुसैन देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए इंतकाल हो गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें क्विंट के ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिखकर बताएं, और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाव दें। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्विंट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।